का रुख करते हैं। दरअसल प्रदेश में बीते 12 घंटे में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, वहीं 670 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस दौरान अजमेर में 2, बीकानेर में 1, धौलपुर में 1 और जयपुर में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। सर्वाधिक पॉजिटिव केसों की बात की जाए तो बीते 12 घंटे में 108 पॉजिटिव केस अकेले कोटा में सामने आए हैं। वहीं अजमेर में 20, अलवर में 57, बांसवाड़ा में 26, बारा में 21, बाड़मेर में 8, भरतपुर में 8, भीलवाड़ा में इस संख्या 35 है, बीकानेर में 17, बूंदी में 37, चित्तौड़गढ़ में 11, धौलपुर में 37, डूंगरपुर में 10, जयपुर में 90, झालावाड़ में 21, झुंझुनू में 22, जोधपुर में 61, कोटा में 108, नागौर में 14, पाली में 25, राजसमंद में 14, सवाई माधोपुर में 6, वहीं सीकर के अंदर 9, उदयपुर के अंदर 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अगर बात पूरे प्रदेश की जाए तो प्रदेश में मौत का आंकड़ा अब 1062 पहुंच चुका है, तो वहीं पॉजिटिव मरीज 82,363 हो चुके हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जयपुर के अंदर एक बार फिर से तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है, और इसके अलावा अगर बात करें अलवर की तो अलवर में भी काफी ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जयपुर और अलवर दो बड़े हब के रूप में सामने आ रहा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में अब तक 10,800 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 277 लोगों की मौत हो चुकी है। आज का फिगर कह रहे हैं तो पिछले 12 घंटे के अंदर 6 लोगों की टोटल मौत हुई है पूरे प्रदेश भर के अंदर, और 670 केस पॉजिटिव सामने आए, जिसमें अकेले जयपुर के अंदर 90 केस सामने आए, जो की बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर जयपुर का पिछला अगर एक सप्ताह का आंकड़ा देखते हैं तो पर डे 200 से 250 का एवरेज है, जो कि जयपुर के लिए सबसे चिंता की बात है। सबसे ज्यादा केस जो है जयपुर में आ रहे हैं, इसी को लेकर कल बड़ी गफलत भी सामने आई थी, जब एक साथ लॉकडाउन की बात सामने आई थी, आदेश निकाल दिए गए थे, लेकिन बाद में उस आदेश को ड्रॉप किया गया। लेकिन साथ में अब चिंता की बात यह है कि इतने केस सामने आ रहे हैं, इनकी ट्रैकिंग करना और इनके घर जाकर के इनकी स्क्रीनिंग करना बहुत बड़ी चुनौती चिकित्सा विभाग के पास है, और उसी को लेकर के चिकित्सा विभाग ने युद्ध स्तर पर फील्ड में अपने इंतजाम जो है वो पुख्ता करना शुरू कर दिए। एक एक टीम को रवाना किया जा रहा है फील्ड में कि वो अपने पॉजिटिव मरीजों के घर जाकर संपर्क करे और उनसे उनकी पूरी लाइन लिस्ट तैयार करे। लेकिन अभी जिस तरह से रोजाना इतने केस सामने आ रहे हैं तो अब स्थिति ये बन गई है कि दो दो दिन तक लोगों के घर तक पहुंच गई चिकित्सा विभाग की टीमें। जी जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जयपुर के अंदर एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती हुई, 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक जयपुर में रजिस्टर हो चुका है। बीते 5 दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो 200 से 250 प्रतिदिन जयपुर के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं।